नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, कई बार आपने सोचा होगा कि जब आपका काम बढ़ जाता है तो आपको उसकी चिंता हो जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है आपकी, जिस वजह से आपके वर्क प्लेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ जाता है तो दिमाग में नेगेटिव थॉट आने लग जाते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल सा प्रोसीजर है। दरअसल काम की अधिकता की वजह से जो बेचैनी दिमाग में आती है, जो टेंशन आप महसूस करते हैं, वही ज़्यादातर परेशानियों का सबब होता है। उसी से दूसरी समस्याएं बढ़ती हैं और आपका जो काम है, जो आपको एफिशिएंसी है, वो प्रभावित होने लगती है। तो आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप उन समस्याओं से अपने आप को बचा के रखें ताकि आप अपने वर्क प्लेस पे एक्टिव रहें, अच्छा परफॉर्म करें और आपके काम को सब सराहें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके बहुत काम आने वाली है, आपकी तरक्की में बहुत काम आने वाली है। अच्छा, काम के प्रति जागरूकता से ज़्यादा उत्सुकता या बेचैनी भी बड़ी हानिकारक साबित होती है। कम लोगों को ये पता होता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम उतना काम कर नहीं रहे जितनी हम अंदर से बेचैनी महसूस कर रहे हैं। ये बेचैनी आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको नेगेटिव कर देती है। आप ये सोचने लगते हैं कि आपके आसपास जो भी लोग मौजूद हैं वो आपको पसंद नहीं करते हैं और आपको वो एफिशिएंट नहीं मानते हैं, प्रतिभाशाली नहीं मानते हैं। इस तरीके की सोच से आपको अपने आप को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है उस समय तक ये आपकी कोरी कल्पना ही तो है। आप क्यों ऐसी नेगेटिव बातें सोचते हैं? आप ऐसी बातें बिल्कुल ना सोचें। अपने आप को नेगेटिविटी से एकदम अलग करके रखें, अलग करके अपने जीवन को देखें। जो आपका वर्क प्लेस होता है या फिर कोई और भी सेगमेंट, आप उससे जो फीडबैक होता है, लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है, इससे आप अपने आप को बचा के रखें। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जो बेचैन से लोग होते हैं वो फीडबैक को बहुत सीरियसली लेते हैं, फीडबैक को वो अपनी असफलता का संकेत मान लेते हैं। आप फीडबैक नहीं चाहते तो आलोचना सुनने का कोई और तरीका खोजें, वह जो आपको आसान लगे। फीडबैक से परेशान और असहज होने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना कह सकते हैं कि ये फायदेमंद बिंदु थे और आपको अकेले में जा करके इन पर विचार करने का समय चाहिए। बिना वजह जो लोग बातें करते हैं उनसे आप बच के रहिए। अक्सर लोग उन चीजों से बचने की कोशिश करते हैं जो उन्हें जरूरत से ज्यादा बेचैन करती है। उसके बाद वो शर्मिंदा भी होते हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी ईमेल का जवाब देने में थोड़े से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो उसे आप लंबे समय तक टालते रहेंगे। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकता है। और अच्छा ये होगा कि आप अपनी इस जो आपकी जो हिच है ना, इसको पूरी सहजता से और पूरी ईमानदारी से इसको आप स्वीकार करें। ये नहीं कि आप किसी सिचुएशन से अपने आप को अगर अलग कर लेंगे तो ये आप समझ लेंगे कि अब आप बच गए, ऐसा नहीं है। आपको उसको फेस करना पड़ेगा। और एक और आखिरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे लोग अक्सर जो है रूबरू होते हैं, नए विचारों पर यदि आपकी पहली प्रतिक्रिया रिस्क और फेल्योर को लेकर के है तो लोग इसे नेगेटिव मान सकते हैं। यानी कि अगर आप फेलर से डरते हैं, आप रिस्क से डरते हैं, तो लोग इसे अदरवाइज लेंगे, इसे नेगेटिव मान सकते हैं। हर नए विचार
के जो पॉजिटिव पहलू होते हैं पहले उस पर बात करें, पहले बताएं कि इसमें अच्छा क्या है, उसके बाद अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान नेगेटिव बने रहें, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो प्रतिक्रिया देने में अपना समय लें, प्रतिक्रिया पूरे सोच समझ के उसके बाद दें, उसमें जल्दबाजी ना करें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको वर्क प्लेस पे पॉजिटिव बनाती हैं, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं और दूसरों की नज़र में भी आपको एक परफेक्ट व्यक्ति के तौर पे पहचान दिलाती है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए कभी कभी मैं आउट ऑफ द वे जा करके, आउट ऑफ द बीट जा करके मैं कभी कई बार आपके साथ आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। कई बार वो कहानी होती है जो मोटिवेशनल होती है, कई बार कुछ मेरे दिमाग में आ जाता है कि मैं आपसे शेयर करूँ ताकि आपकी ज़िंदगी की चमक जो है थोड़ी सी और बढ़ जाए और आप अपने आप को अच्छा साबित कर सकें। इसलिए मैं ऐसी वीडियो अक्सर आपके लिए बनाती रहती हूँ। आप मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी के काम की चीज़ है। एक और बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी और नई स्टोरी के साथ, किसी और नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।